दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, इंटर पास छात्राओं को इसी महीने तक मिल जाएगी प्रोत्साहन राशि, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार का निर्देश। यह देखिए, इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण सभी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिसंबर के अंत तक उनके खाते में भेज दी जाएगी। इसके लिए मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर सभी जिलों से छात्राओं का ब्यौरा भी मांगा गया है। कई जिलों के स्कूल ने ब्यौरा देने में देरी की है। वही देखिये, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि इंटर उत्तीर्ण 5 लाख से अधिक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलनी है, क्योंकि इस बार मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर छात्राओं की एंट्री ली गई है, इस कारण विलंब हुआ है। नई व्यवस्था के तहत सीधे छात्राओं के खाते में राशि जाएगी। वहीं अभी तक 1.5 लाख छात्राओं को सत्यापन कर उन्हें छात्रवृत्ति भेज दी गई है। 5 लाख छात्राओं को राशि मिलनी है। शेष का सत्यापन कर राशि भेजी जा रही है, जो इस महीने के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार नगर निकाय चुनाव में नहीं होगा फर्जी मतदान, वोट डालने से पहले मतदाता के चेहरे की होगी पहचान। जी हाँ, देखिए बिहार के 224 नगर पालिकाओं में चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को सभी डीएम और प्रमंडलीय आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। वही दो चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर सभी डीएम और प्रमंडलीय आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयोग ने स्पष्ट किया कि पहली बार नगर पालिका चुनाव में मतदाताओं के चेहरे से पहचान के बाद ही मतदान कराया जाएगा। वही इसके लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को अपनाया गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया कि मतदान के दिन इसके लिए बूथ पर तैनात 6 मतदान कर्मियों में P3C को इसी कार्य के लिए तैनात किया गया है। इसमें मतदाताओं के चेहरे की तस्वीर ली जाएगी और इसका मिलान कर मतदाता सूची के फोटो से किया जाएगा। ऐसे में नगर पालिका निर्वाचन में 100% फर्जी मतदान पर काबू पाया जा सकेगा। 5 दिसंबर को मुजफ्फरपुर जिले के हालिमपुर ग्राम पंचायत FRS सिस्टम से मतदान कराया जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, पटना पहुंचते ही रवि किशन का सीएम पर हमला, बोले नीतीश की गलती से बर्बाद हो रहा है बिहार। जद के कुड़नी उपचुनाव के प्रचार का कल आखिरी दिन था। इसको लेकर LJP के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ BJP सांसद रवि किशन भी कुड़नी पहुंचे थे। दोनों वहां BJP के पक्ष में चुनाव प्रचार किए। पटना पहुंचते ही रवि किशन ने कुड़नी में BJP की जीत सुनिश्चित कर साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। रवि किशन ने कहा कि कुड़नी में BJP की जीत तय है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो गलती की है उसका खामियाजा पूरा बिहार भुगत रहा है। अब जनता समझ चुकी है कि बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए। रवि किशन ने कहा कि जब नीतीश कुमार NDA में थे तब लोग बिना डर के देर तक सड़कों पर निकल पाते थे, लेकिन जब नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होते ही बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती है। वहीं शाम 7 बजे के बाद लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। यह उसी अपराध का नतीजा है जिसे नीतीश कुमार संरक्षण दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर में देखिए, माझी के बाद अब चिराग ने भी ताड़ी को बताया नेचुरल जूस, बैन हटाने की मांग की। याद देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी के बाद अब LJP रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी ताड़ी बैन हटाने की मांग कर दी है। चिराग ने कहा कि पासी समाज का एकमात्र साधन ताड़ी बेचना ही है। नीतीश कुमार आलिशान बंगले में आराम से रह रहे हैं, लेकिन पासी समाज के लोगों के बच्चों का जीवन अंधकार में है। चिराग पासवान ने कहा कि पासी समाज के लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरे थे, तब उन पर लाठियां चलाई गई और मुकदमे भी किए गए। उन्होंने कहा कि हमारे नेता रामविलास पासवान से लेकर अब तक हम लोग ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार को अपने प्रदेश के लोगों का दर्द दिखाई नहीं देता है। ताड़ी एक नेचुरल जूस है और शराब कैसे बनती है वह नीतीश कुमार के प्रशासन के लोग जानते हैं। वहीं देखिए, चिराग पासवान ने आगे कहा कि नीतीश के अधिकारियों के नेतृत्व में बिहार के हर प्रखंड में हर जिले में शराब बनाने का व्यवसाय चल रहा है। चिराग ने कहा कि बिहार में अवैध शराब का धंधा चल रहा है, जिससे कई लोगों की मौत भी हो जाती है। नीतीश कुमार केवल पासी समाज के लोगों पर कार्रवाई करते हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में सरकारी वकीलों की फीस बढ़ेगी, 14 साल बाद हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश। यह देखिए, देश में भले ही रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमत लगातार आसमान छू रही हो, लेकिन बिहार में सरकारी वकीलों की फीस में पिछले 14 साल से रत्ती भर भी इजाफा नहीं हुआ है। सरकारी वकीलों की फीस नहीं बढ़ाए जाने के मामले में कल पटना हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। इससे जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तत्काल सरकारी वकीलों की फीस बढ़ाने के लिए एक ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ 2 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि बिहार में लगभग 14 साल से सरकारी वकीलों की फीस में इजाफा नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है।
अगली बड़ी खबर में देखिए, कुर्नी में थमा प्रचार का शोर, 5 दिसंबर को होगा मतदान, जेडीयू के लिए अग्नि परीक्षा। यदि के बिहार में कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर आगामी 5 दिसंबर को उपचुनाव के मतदान होने हैं। इससे विधानसभा सीट पर भाजपा महागठबंधन और वीआईपी के साथ ही ओबीसी की पार्टी के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक द्वारा कुर्नी में चुनावी सभा और रोड शो भी किया गया। इसके बाद अब चुनाव प्रचार का शोर कुर्नी में थम गया है। आपको बता दें की इस सीट पर जदयू की तरफ से मनोज कुशवाहा, भाजपा की तरफ से गुप्ता, तो वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की तरफ से नीलाभ कुमार समेत कई पार्टी के प्रत्याशी मैदान पर उतरे हैं। यदि बात करें सीट पर चुनावी जातियों के इफेक्ट की, तो यहां भूमियार, कोहरी, मल्लाव, यादव वोटर की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन सबसे अधिक वोट मुसलमान और वैश्य वोटर का है। यह वोट जिसके पक्ष में जाएगा वह यहां प्रभावशाली होगा। इससे पहले सीट पर सहनी जाति से आने वाले राजद नेता अनिल सहनी चुनाव जीते थे, लेकिन घोटाले में फंसने की वजह से सदस्यता चली गई और इसी वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 8 दिसंबर को मतगणना होगी। बड़ी खबर देखिए, बिहार में बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक चाढ़ी गंगा नदी को जोड़ा जाएगा, 5 जिलों को होगा फायदा। याद रखिए, बिहार में बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक चाढ़ी गंगा नदी का जोड़ योजना का काम अगले साल 2023 में पूरा हो जाएगा। वहीं दोनों नदी जोड़ योजनाओं को पूरा होने का सीधा फायदा 5 जिलों के लोगों को होगा। इसमें सिवर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिला शामिल है। इन नदी जोड़ योजनाओं के पूरा होने से सिंचाई सुविधाओं का विकास होगा, साथ ही बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने वाले इलाकों का बचाव हो सकेगा। वहीं संसाधन विभाग ने दोनों योजनाओं की धीमी गति की रिपोर्ट के बाद तेजी से काम करवाने का अधिकारियों को और इंजीनियरों को निर्देश दिया है। वहीं देखिए, सूत्रों के अनुसार बागमती बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ योजना में बागमती नदी को बूढ़ी गंडक नदी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सिवर जिला स्थित बेलवाघर योजना पर काम हो रहा है। यह बिहार की पहली नदी जोड़ योजना है। इस योजना से सिवर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिला में बाढ़ से बचाव हो सकेगा, साथ ही बड़े इलाके में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। सिवर से मोतिहारी जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर आवागमन भी बाधित नहीं होगा, यह हर साल बागमती के कारण बाधित हो जाता है। बड़ी खबर देखिए, दिवाली के बाद अधिक जहरीली हुई उत्तर बिहार की हवा, नवंबर में सिर्फ 7 दिन मुजफ्फरपुर का एक्यूआई 300 से कम। यह देखिए बड़ी खबर, दिवाली और छठ के बाद उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा सहित अन्य जिलों की हवा अधिक प्रदूषित हो गई है। बढ़ते प्रदूषण के कारण उत्तर बिहार के कई जिले हेल्थ इमरजेंसी की ओर है। जानकारी के लिए बता दें कि मुजफ्फरपुर में पूरे नवंबर में सिर्फ 7 दिन ही ऐसे हैं जिस दिन एक्यूआई 300 से कम रहा है। सबसे कम एक्यूआई 2 नवंबर को 141 था, जबकि अधिकतम एक्यूआई 25 नवंबर को 390 रिकॉर्ड किया गया था। वहीं देखिए, प्रदूषण के कारण पिछले कुछ दिनों से सांस और फेफड़े के मरीज की संख्या में तेजी से बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर बिहार के कई जिलों में ओपीडी में इलाज कराने आने वाले 30 से 35% लोग सांस और फेफड़े की समस्या से पीड़ित पाए गए हैं। वहीं देखिए, मौसम परिवर्तन का असर हवा की गुणवत्ता पर दिख रहा है। 27 नवंबर को दोपहर 12 बजे बेतिया में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बीते दिनों के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यहां के कमलनाथ नगर की एक्वा यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 रिकॉर्ड किया गया है। अगली खबर में देखिए, कल मनाए गए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 138वीं जयंती, राज्यपाल और सीएम नीतीश ने देश रत्न को दी श्रद्धांजलि, महिलाओं के बीच बांटी साड़ी। यहाँ देखिए, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कल 3 दिसंबर को 138वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर पटना के राजेंद्र चौक स्थित प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। वहीं देखिए, इस समारोह में राज्यपाल फागू चौहान एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर अर्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें नमन किया, जिसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वदेशी कमल आश्रम की चरखा कात रही महिलाओं के बीच जाकर साड़ी वितरण कर उन्हें प्रोत्साहित किया। बड़ी खबर में देखिए, तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 23 और 24 को। जद के बड़ी खबर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को आयोजित करेगा। 1000 से अधिक केंद्र बनाए जाने हैं। परीक्षा केंद्रों पर जेमर लगाने से लेकर केंद्राधीक्षक की नियुक्ति तक विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं देखिए, परीक्षा के एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। पारदर्शिता बरतने के लिए और कदाचार को रोकने के लिए मुख्य सचिव बिहार एवं पुलिस महानिदेशक बिहार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक भी हुई है। वहीं देखिए, आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की संख्या 40,000 से अधिक होने पर पीटी व मेंस दोनों परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान ने बताया कि पीटी में अभ्यर्थी सामान्य धन, सामान्य विज्ञान एवं गणित विषय के एक एक टेस्ट बुक ले जा सकते हैं। पीटी 150 अंकों की होगी। इसके लिए 2 घंटा 15 मिनट समय निर्धारित किया गया है।
बड़े खबर में देखिए, इग्नू में दिसंबर टर्म एंड एग्जाम का असाइनमेंट जमा करने की डेट बढ़ी। जहाँ देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इग्नू TAT दिसंबर 2022 के लिए असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2022 के अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। वहीं इग्नू टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2022 परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर आधिकारिक नोटिस चेक कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, वोटिंग से पहले बीजेपी ने फोटो वायरल कर JDU को दी खुली चुनौती। जहाँ देखिये, बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक बार फिर JDU पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुढ़नी विधानसभा के JDU उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की एक तस्वीर पोस्ट किया है, जिसमें नेताओं के टेबल पर शराब की बोतल दिख रही है। तस्वीर के साथ संजय जायसवाल ने JDU को चैलेंज दिया है और लिखा है कि हिम्मत है तो इस तस्वीर को गलत बताएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने फेसबुक वॉल पर बताया कि यह तस्वीर पिछले 25 दिनों से उनके पास, लेकिन फिर भी मैंने इसे पोस्ट करना उचित नहीं समझा था, लेकिन जब JDU के बड़े नेता निष्ठा पर उतर आए हैं तो यह तस्वीर जनता के सामने रखना जरूरी है। बड़ी खबर में देखिए, कोरने में बांटेंगे 1 टन घी के लड्डू मुकेश सहनी, कहा स्टार से वोट मिले तो शाहरुख खान को बुला दूं। जहाँ देखिये, बिहार विधानसभा के कोरने सीट पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार अब खत्म हो गया है। 5 दिसंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शनिवार को BIP के प्रमुख मुकेश सहनी ने कोरने के गाँव में पार्टी प्रत्याशी नीलाब के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान मुकेश सहनी ने चिराग पासवान पर जोरदार हमला किया है। मुकेश सहनी ने दावा किया कि वे हर हाल में 10 दिसंबर को कुढ़नी में 1000 किलो घी का लड्डू बांटेंगे। कहा कि मार्च बाद समीकरण के बाद भी घी के लड्डू का ऑर्डर दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो और भी लड्डू मंगवाया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में मुकेश सहनी ने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बोचहा में हारने के बाद लड्डू बांटे थे। खबर में देखिए, बिहार में दिसंबर से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, इन रूटों पर चलाने की है तैयारी। जहाँ देखिये, वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। बिहार को जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस मिल सकता है। विभाग इसकी तैयारी कर रही है। दिसंबर तक अगली वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रैक पर आने की संभावना है। हालांकि नए वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट को लेकर अभी तक मंत्रालय की ओर से फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि रेलवे मंत्रालय के अनुसार 2 वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन जल्द ही शुरू हो सकता है। ICF चेन्नई में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस का तेजी से तैयार किया जा रहा है। ये ट्रेन 2 राज्यों को मिल सकता है, इसमें बिहार और तेलंगाना शामिल है। इन दोनों राज्यों को अभी तक वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं मिला है। वहीं मंत्रालय के अनुसार इन ट्रेनों के उन रूटों पर चलाया जाएगा जिन पर यात्रियों की संख्या अधिक होगी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर और पटना रोड पर इसे चलाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सबसे बड़ी खास बात इस ट्रेन में यह है कि केवल 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। साथ ही यह अन्य ट्रेनों की अपेक्षा काफी हल्की है। यह पूरी तरह से AC है जिसमें स्वचालित दरवाजे लगे हैं। इसके अलावा इसमें सीट को 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।